आज इस पे से चर्चा होना है। मैं स्कूलिश नंबर की बात चल रही थी, लेकिन आज सारे बच्चे स्कूल के हैं, उनके इंग्लिश से, युवाओं के इंग्लिश से इस चर्चा करना है। अष्ट मूल गुण नाम तो सभी सुने अष्ट मूल गुण, लेकिन इस पर हमें कितना विचार करना चाहिए, कितने डेप्थ में जाना चाहिए, उसे बताने की कोशिश है। मैं हिंदुस्तान की प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक पाठशाला में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में चाहता हूँ कि इसका वाचन हो, पाठन हो, इसके नियम हो, इसकी प्रतिक्रिया, इसका स्वरूप समझा जाए। इसलिए स्पेशल पीरियड आज संडे है, इसलिए दिया सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। यदि मैं समय मोटिवेटर की तरह खड़ा होता ना, तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट निकलता कैसे करता था, फिर मैं आपको प्रोजेक्टर को दिखा रहा होगा। छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या हो रही है, छोटी छोटी बातों पर हत्याएं हो रही है। आप अखबार में दिखाना भी अभी पहले पति से तलाक ले गया, दिन में दिले समय ले रहे थे, उससे झगड़ा हो गया, अब उसे लगा कोई आदमी काम कर नहीं है, सब आदमी बर्बाद, सार बेकार, और डिप्रेशन में पड़ी पढ़ाई की लगाई रखने का सुसाइड कर। मैंने जिस जिस फ्रेंड को आप यहाँ बात कर रहे हैं मॉडर्न कल्चर की, वो डिप्रेशन में ले जा रहा है। मॉडर्न पढ़ाई, मॉडर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति आपको सुसाइड करने के लिए डिप्रेशन में ले जाने की सोच रही है। हम भी पेपर उठा कर देख लो, लगे बड़े बड़े ऐसे भी स्टेट है हिंदुस्तान में, ऐसे स्टेट जहाँ पर एक निश्चित उम्र के बाद बेटा पापा गलत दवा में मार डालता है, क्योंकि पूरे गाँव की ही पता है। ये सब दरवाजे पे जहर का निपट सर स्टेट है पूरी, मैं ऐसी मार डालती हूँ, आप भी भारत मैं उन सब के लिए जो डिप्रेशन से बचना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती नहीं, ऐसे आज इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ जय साधन की ओर से, यदि इन आठ गुणों का पालन करोगे तो आपके जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको कभी आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस पूरी ताकत के साथ आज पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो वैसे ले सकते हैं। इसके बाद भी कोई परेशान हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, मरना हो, जरूरत नहीं पड़ेगी इसका। जैन शासन में सम्यक दर्शन की पात्रता है अष्टमूल गुण। अष्टमूल गुण क्या होता है? अष्टमूल गुण इसी पढ़ लिया। सबसे पहली लाइन लिखी थी अपनी अपनी प्रतिष्ठा, माता पिता की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा चाहते हो तो अवश्य ही पालन करेंगे। क्या कहना है आपको इस पर एक दो घंटा उबल कर करूँ, एक घंटा उबल कर करूँ, जीव को अपनी भी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। यहाँ से चार घंटे पर कोई क्या कहे, क्या चिंता लगती थी, पाप करते थे, छिपके करते थे, अब तो क्यों पहले लगता था कोई क्या कहेगा, तो अपनी चिंता लगती थी प्रतिष्ठा की, अब ये लगता है कोई क्या कर लेगा। आईटी वार्डन, आईटी टीचर, आईटी मम्मी पापा, कौन सी मौसी, कौन सी दादी, ये इतने जबरे ठोस के हैं दिमाग में। लड़की सभी आम फेसबुक चैटिंग, लड़का सभी आम मैंने ऐसे गाने बजा रहे घर में, डीजे के ऊपर नाच रहे, जीवी नहीं लग रही, भैया खड़ेगी, भाभी खड़ेगी, मम्मी खड़ेगी, पापा खड़ेगी, क्या सेंस है उन शब्दों का ये भी नहीं पता। मैंने मैं उस पिक्चर को दिखा रहा हूँ जिसके जिम्मेदार हम हैं, बच्चे नहीं, बच्चे जिम्मेदार नहीं, मैं बताऊंगा भी आपको, बच्चे जिम्मेदार नहीं। हमारे घर में अष्टमूल गुण का कल्चर नहीं है, बच्चा कल्चर देखकर भी बड़ा होता है,
बच्चा दुनिया से पहले कुछ नहीं सीखता, दुनिया सबसे पहले बच्चा सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगा इसमें से पढ़ करके आपको। अपनी प्रतिष्ठा बेटे, आप सब सीधे बात कर रहे हो, आपको अपनी भी इज्जत की चिंता। आपको पता है 90% लड़के लड़की इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि वो बात खुद जाती है, उन्हें लगता है अपनी प्रतिष्ठा दी है। दोस्तों को मालूम होगी अब लोग क्या करेंगे, मम्मी को पता लगे तो अब क्या होगा, पापा को पता लगे अब क्या होगा, दुनिया तो सबको पता लगे व्हाट्सएप पर अब तो मर ही जा रहा है। हम फिर कह रहे हैं आप व्हाट्सएप का भरोसा मत करो, आप दुनिया का भरोसा मत करो, आज फोनों का भरोसा करो। फिर भी कह रहे जिंदगी में कितनी बड़ी गलती हो गई हो, कभी आत्महत्या नहीं करते और डिप्रेशन की जरूरत नहीं आती। क्यों अनंत जन्मों के बाद मोक्ष जाने लायक धर्म मिलाया, मोक्ष जाने लायक शरीर मिला है, मोक्ष जाने लायक आपका तत्व ज्ञान मिला है। अनंत जन्मों के बाद ब्लंडर मिस्टेक कितनी बड़ी हो जाए, प्रचार कितनी बदनामी हो जाए, इस देह की प्रतिष्ठा से बड़ी प्रतिष्ठा है अपनी। इसकी प्रतिष्ठा तभी गिर सकती है जब आप ही अपनी प्रतिष्ठा न कर, जब अपने भगवान की कीमत तुम ही ना करो, अपने गाय की कीमत तुम ही नहीं करो, तब तो अपने कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा रखना हो माता पिता की, आपको लगता है कोई नाम ना उठाए, उंगली ना दिखाए। मैं आज किसी लड़के से दोस्ती कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, फोन पर बात कर रही हूँ, लव लेटर लिख रही हूँ, फिर मम्मी पापा को पता लगेगा तो मैं क्या चक्कर लगेगा। यदि आपको लगता है हमारी माता पिता की कुछ ना उठे, कल लोग है जेनी लगी है डॉट गलत गलत नाम के साथ इस्तेमाल करना, आजकल तो ज्ञान लड़की सुना। यदि आपको लगता है ज्ञान समाज अपनी प्रतिष्ठा से इन आठ बातों को अच्छे से समझना, मैंने लिखा है इसमें देखिए परिभाषा। सम्यक सही श्रावकों के प्रधान आचरण को श्रावक के अष्ट मूलों के सम्यक दर्शन की पात्रता भी है और सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके पूर्वक सम्यक दर्शन पूर्वक और सम्यक दर्शन के पहले पूर्व से हमें बात में पहले और सम्यक दर्शन होने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा रखो। मुझे मालूम है चौथा अवस्थान बहुत कमजोर अवस्थान होता है, वहाँ संपूर्ण वही एक्टिविटीज होती है जो पहले अवस्थान में होती है, शादी विवाह उपासना खमाना खाना लड़ना बिगड़ना सब कुछ होता है चौथा अवस्थान। इसकी अपनी प्रतिष्ठा रखना हो तो अष्टमूलों का पालन जरूरी करो। सम्यक तो सही श्रावकों के प्रधान आचरण को, ये प्रधान आचरण है श्रावकों का, ध्यान रखना जिनके जीवन में अष्टमूल गुण नहीं है वे प्रतिमाधारी नहीं हो सकते, जिनके जीवन में अष्टमूल गुण का पालन नहीं है वे गुरु नहीं बन सकते। इसलिए प्रधान आचरण है प्रधान। अष्टमूल गुण का नाम तो आपने सुने होंगे सब, लेकिन बहुत हल्के लेवल में सुनोगे, पांच हजार का त्याग, पंच मास मधु का त्याग, ये तो बहुत हल्का लेवल है। ये तो कोई मुसलमान जैन बने उसके लिए, कोई आदिवासी जैन बने उसके लिए है नियम आठ। तब तो पांच छह प्रकार से वर्णन मिलता है, मान्य पांच छह प्रकार से अष्टमूलों की चर्चा आ गई। हमने उन सब में से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जरूरत है उस प्रकार से अष्टमूलों को डिजाइन करके आपके सामने पढ़ा दिया। देखिए क्या क्या बात आनी चाहिए इसमें, आगे लिखा है थोड़ा देखेंगे तो प्रयोजन क्या है इसको, हम यहाँ अष्टमूल क्यों पढ़ा रहे हैं, यूं कहिए आपके घर में अष्टमूल की जरूरत क्यों है, बच्चे आपसे कुछ सीखते हैं, यदि आपके पास अष्टमूल नहीं तो बच्चे भी नहीं करेंगे बात, फिर आप परेशान हो गए, बच्चे की गलती की सजा माँ बाप भुगतते, बच्चे के डिप्रेशन में माँ बाप परेशान होते, एक बच्ची भाग जाए डॉट डॉट के साथ डॉट डॉट समझते ही हो गया, उसके बाद पूरी जिंदगी जो तकलीफ होती है वो आपको भोगनी पड़ेगी। यदि आप पेरेंट्स हैं बेटी समझते हैं, बच्चे हैं बेटी समझते हैं, बहुत ओपनली अच्छे से चर्चा करिए, आप अच्छे से समझें ये गलती हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए चर्चा नहीं, सभी अच्छे से समझेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप फ्रेंचाइजी ले लें और उसको फैलाएं, दूर भगा में बोली नीतियाँ आपको पता होगा, समता कहो आनंद कहो सामायिक कहो सम्यक दर्शन
सबसे पहले एक नियम है जो लोग सामायिक करते हैं उन्हें पता होगा ये नियम, मैं पढ़ के गाता हूँ आपको याद हो जाएगा। आर्त रौद्र द्वय ध्यान छाणी करी नो सामाय। पहली प्रतिज्ञा क्या करिए आपने समय के पहले? आर्त रौद्र ध्यान का त्याग। ध्यान से सुनना, यदि अष्टमूल पर नहीं तो आप आर्त रौद्र ध्यान का त्याग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर। इसका मतलब जिन्हें आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना हो वे अष्टमूलों को पालन जरूर करें। क्या नहीं कर पाओगे मैं सब समझाऊंगा। आपको संकल्प होगा मैंने आर्त ध्यान जरा दौड़ के आ गए तो आप मजे में आ गए, हो मजा आ गया, मजा आ गया, मजे रोज होते है ना। पैसे प्रॉपर्टी में बहुत एक बार दसों की मानने वाला थी रोज ध्यान में है और संदर्भ मांगा तो नहीं कर पाया और दुखी हो रहा है पैसे चला गया। क्या बताएं, एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ जिसमें से मैंने अष्टम गुरु नहीं आई थी। अभी अभी लिखा मैंने चैप्टर को अपने शब्दों में जिन मानी तो पहले से कितनी मान था। इसी आईपीएल में हमारा एक बच्चा जो मोक्षु भी है, स्वाध्याय सीरीज है सब कुछ है, लेकिन वो टेन डे में मैच देखा था आईपीएल का, चार से लोग मिली जाते हैं वो आईपीएल देखने वाले रात को 10 बजे सट्टेबाजी चल रही थी, सट्टेबाजी उसने भी सट्टाबाजी शुरू कर दिया। कोसंगी में आकर के तो आप युधिष्ठिर जी को खेल जाते हैं। तब तो मुझे लगा कि नहीं हमारे बच्चों को प्रतिज्ञावत कराना है। उसने धोनी खेलने आया था, एक बॉल में 6 रन की जरूरत थी, अंतिम बॉल थी 6 रन पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, उस लड़के ने धोनी पे विश्वास किया। अंतिम बॉल ये तो सिर्फ हमारी देगा चीज है, आप कल्पना कर सकते हो उसने 80 लाख रुपए लगाए ये बॉल, 80 लाख। जैसे वो बॉल डॉट बॉल निकली अब अंधेरा छा गया, चक्कर रात भर नींद नहीं आई, 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। इतना प्यारा बच्चा, हमने जैसे सोच तो प्यारा प्यारा बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रवचन कर रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, गुरुदेव को सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब मुझे ऐसा लगा ये तो मतलब मालूम ही नहीं पड़े की बात, एक महीना गायब रहा सारी घर की प्रॉपर्टी। इसलिए हम आज चाह रहे कि आठ मूल गुण आप सुनो, केवल एक बार सुनो, जरूरत नहीं सच बहुत जरूरत है। आठ मूल ध्यान से आप निकाल के बताए कोई जिसने 2.5 मूल चले गए, अब उसके माता पिता जिंदगी कितने डिप्रेस हुए, कैसे जोड़ा होगा मकान प्रीति को कहने के रहते थे लेट लेट कैसे कैसे जोड़े होंगे, पर एक दिन में एक झटके में हमें खबर पड़ी हमारे भैया भी एक घंटा बंदी कर दूसरे की मुझे का पता लगा, लेटर लिख के भेजा हमने, लेटर लिख के भेजा तो क्या चाहते हो। मैं इसलिए ये बात बहुत अवसर के बेटे एक एक बच्चा ये समझो, आज आप ग्रैंड फादर के बच्चे फादर के बच्चे तो समझ सकते हैं, वही समझो हम बहुत प्रेम से आज ये बात स्पेशली समझा रहे सब बच्चों को, हो सके तो अपने जीवन में कभी आत्मरोध ध्यान नहीं करना पड़े, कभी डिप्रेशन नहीं हो, कभी अपने नजरों में नहीं गिरते। आज छोटी छोटी बात पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। आप इन आठ बातों का पालन करना आपकी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। आठ रोज में क्या हो गया डिप्रेशन का, आज के युवा नाम डिप्रेशन, जिन्हें डिप्रेशन में नहीं जाना उन्हें आठ रोज ध्यान नहीं करना हो, लेकिन अष्टम गुरु को ध्यान से समझे। वर्तमान समय में विद्यार्थियों काल में निम्नोक्त का अष्टम गुरु अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आगे आगम अध्ययन पूर्वक संयम पूर्णता का प्रयास करना चाहिए, मतलब वही दशा की तैयारी करके मोक्ष जाना चाहिए। आइए सबसे पहला ही पॉइंट है अष्टम मूल गुण में जैनियों के लिए पॉइंट पकड़ लो, जैनियों के लिए अष्टम मूल गुण में 5 अनुग्रह है। इसका प्रचार अभी लगभग जैन समाज में से लगभग लगभग खाली शून्य जैसा है, ना अष्टम मूल गुण दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं, सोच के वो तो पंचम गुण स्थान में आएंगे। मैंने उसे अपने खुद पे टांग दी अष्टम मूल गुण क्या तुझे चोरी कर दिया क्या। एक काम कर, रेलगाड़ी में जब चर्चा हो रही हो और फिर बोलो भाई देखो हमको तो प्रतिज्ञा टूटने का बड़ा डर है,
मेरे तो चोरी तक का त्याग नहीं किया, निर्माण पाप का त्याग नहीं किया, रेलगाड़ी बोल दी ओर से जाते, ये कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई पाप नहीं छोड़ा, मैंने हिंसा नहीं, मैं हिंसा का त्याग नहीं, झूठ का त्याग नहीं, चोरी का त्याग नहीं, वो सीखना भी त्याग नहीं। तो वो साथ कोई घटना हुई तो देखना क्या हो रहा, उस रात में चोरी हो गई ट्रेन की बोगी में, फिर देखो तुम्हारा क्या होगा। ये नहीं आदमी कह रहा कि मैंने चोरी का त्याग नहीं किया, सबसे पहले क्या होगा, नहीं भाई साहब आप खुद अच्छे समझ लो, जैन कुल में जन्मा हुआ बच्चा 8 साल की उम्र से अष्टमूल गुण का पालक होता है, और खबर हो या ना हो आजकल तो 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा क्यों कह रहा हूँ, आप पहले कहते थे ना जन्म से ही, जन्म से क्यों कह रहे हो, वो होश में नहीं होता, 8 साल की उम्र में सफल दर्शन के लायक होता है, 8 साल के पहले तक वो अष्टमूल गुण परवाना की जिम्मेदारी मम्मी पापा की होती है। आपने देखा है बच्चों से दान करवाते हो, मैं कहता था अभिषेक करवाते हो, मंदिर ले जाते हो, वो अष्टमूल गुण की जिम्मेदारी मम्मी पापा की होती है, 8 साल के बच्चे की स्वयं की जिम्मेदारी है, 8 साल में उसने इतना कल्चर देख दिया अष्टमूल गुण का कि अब स्वयं पा सकता है। 8 साल के बच्चे को यही कहना पड़ता बेटा सुसु करके भाई जान, अब बहुत दिन होगा सुसु करते हुए अब चला जाता है, समझ आई ना, तो जरा अच्छे से विचार करेंगे। सबसे पहले अष्टमूल गुण में 5 अनुव्रतों का पालन करना चाहिए, 5 अनुव्रत में पहला ही पॉइंट है अहिंसा अनुव्रत। मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसको डिजाइन किया है, आप देखिए इसमें पहली लाइन तो आदम की ही है, ग्रंथों के आधार से ही लिया अपन ने, संकल्पी हिंसा का त्याग शेष आरंभिक औद्योगिक और विरोधी इन तीन हिंसा में घटाने की भावना, इन तीन हिंसा को घटाने की भावना, तीन प्रकार की हिंसा की जो प्रवृत्ति है उसे घटाने की भावना, उद्योग घटाने की बात। तो व्यापार है दो ही कमा रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे भरोसा नहीं, पति पत्नी कीजिए आप तुम क्यों नौकरी कर रहे, क्या पता मानस है भाई का हस्बैंड ने भगा दिया तो मेरा पैसा होगा, बस पैसे ही होगा, चलो विश्व में पैसे के सारे काम संयम और विनय से हो जाते हैं, यदि आप लघुता हो विनम्रता हो लघुता हो आपका इलाज आप मत करवाना, दुनिया करा देगी आपका इलाज, पति तो क्या चीज है पति तो करा ही देगा, लेकिन अब आप क्या करें ना, तुम क्या समझते हो मिस्टर खानदान, मैं उसका नाम लोगे वो करा, मैं खुद कमाती हूँ, ये अटक है ना अटक, ये अपना पैसा अलग से रखने के लिए ताकि इसका भरोसा नहीं कर, इसका भरोसा नहीं है यह समय विनय का भरोसा नहीं, संयम का भरोसा नहीं है, दमता का भरोसा नहीं है, समझ गए सर, उद्योग घटाने के लिए है, मकान मकान बनवाए जा रहे हैं, एक मकान बन गए दो हो गए तीन बन गए चार हो गए, और फिर पुराना उखाड़ के तो नया टाइल्स चढ़ गई, टाइल्स निकाल के फिर ग्रेनाइट चढ़ गई, ग्रेनाइट निकाल के फिर अमेरिका में जर्मनी सारी तुम यही करते रहो, यही में आरंभिक घटाने लायक उद्योगी घटाने लायक और विरोधी जितनी मर्यादा रखी है उसमें अनासक्त और जितने का त्याग किया है उतने की अभिलाषा का त्याग, अष्टमूल गुण मत पकड़ना, फिर से बोल रहा हूं जो मर्यादा हमने ले ली, जो मर्यादा जब 10 कपड़े रखे तो 10 में तो आसक्ति का त्याग और जो बाहर का त्याग कर दिया उनकी अभिलाषा का त्याग, वो कपड़ा वो हमने वो हमने कहा अभिलाषा भी नहीं करेंगे, नहीं जो हमारा त्याग हुआ है उसकी अभिलाषा नहीं, और जो हमने रखा है कि अटपेरा घी ए हमने पी लिया
हरिशंकर तुम क्यों भाई, तुम क्यों भाई हरिशंकर क्यों भाई? हाँ, जो मर्यादा रखती है उसमें अना सकती है और जिसका त्याग किया उसमें अभिलाषा कर दिया निरंतरता का त्याग नहीं करना हमेशा ऐसे यहाँ पे लगना संकल्प हिंसा में त्याग कर रखा है इसका एक प्रयोजन एक घंटा होना चाहिए बहुत कम इच्छा होती है सुनो जो लोग सावधानी पूर्वक भोजन नहीं करते वे संकल्प की हिंसा की बात नहीं जल्दी करना प्रयोजन नमकीन खाया है बच्चों ने जल्दी आ गए सुनो संकल्प की आपकी गलती से चिंटी आई और फिर मरेंगी तो गलती कौन कई बार आपने देखा पिकनिक पर हम गए कहीं गए चार लोग भोजन करके बैठे चटाई बिछाई बैठ गए और फिर लोग सब टिफिन निकाला था और टिफिन में क्या रहता नीचे का तेल लगा हुआ है सब्जियों का या रसगुल्ले रखे तो रसगुल्ले की चास निकाल फिर अगर आदमी ढक्कन खोल खोल बैठ डब्बा टिफिन में से निकाल के इधर रख दिया इधर रख दिया और नीचे का तेल जब जमीन पर रख दिया और रसगुल्ले की चास निकल रख दी और नमकीन और हैंड सैनिटाइजर रख दिया अब इस चार पर चीटियां आ गई दो मिनट नहीं हुए चीटियां आ गई अब आप करें भाई कहां से आ गए समझ गए कुछ आप टिपे निकाल रखो अखबार के ऊपर रखो बर्तन के ऊपर रखो कपड़े के ऊपर रखो कपड़े से पहुंच के रखो चीटी क्यों आएगी चार मिनट बच्चों ने खाई और लड्डू रसगुल्ला खाया फिर जमीन पे हाथ रख दी अब पापा से सच्चा से वो तो जीत तो आ नहीं जाएगा मैं इसे संकल्प के सामने डालना आप जान बुझ करके गलत तरीके से खाएंगे पिएंगे उठेंगे कपड़े धो रहे इतना सारा पाउडर डाल दिए उद्योगी के आरंभ ही नहीं है संकल्प है आपको इतने पाउडर के जोड़े इतना दूर गया और लेकर खारा पानी सारा टीका पानी गटर में डाल दिया आपने इतनी निर्दयता की इतनी क्रूरता की है एक काम करो थोड़ा सा पाउडर आंख में डालो डाल डाल आज प्रैक्टिकल करके आना घर मतलब नहीं कम मार देंगे कैसे कैसे जितने भी कौन कौन पी लिया वगैरह कैसे मर जाएंगे इसलिए सावधानी पूर्वक चेष्टा करो अपने बुद्धि पूर्वक हिस्सा ना हो सफाई मेंटेन करते रहो बुद्धि पूर्वक पे ना लगने पाए जाने अब मैं से तो रामदेव के पास जाऊंगा अरे झाड़ लगा तो हो भी जाएगा हिंसा हिंसा नहीं हुई संकल्प हिंसा का त्याग बयान की बयान हो गई महिलाओं को बयान की जरूरत क्या लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे करेंगी और फिर वो क्या कहलाता है वैक्यूम क्लीनर और वो भी नहीं करना तो नौकर तो रही नौकर करेगा हम तो थोड़े भी देखे थे आरंभिक तक समझ लेना उद्योगी घटाना है विरोधी घटाना है आगे लिखा है छना जल का सेवन ये अहिंसान तक मैं जैन हो गई छना हुआ जल सेवन लिखा लो पीना नहीं छना हुआ जल काम में लेना आवाज भी बढ़ा रही है आवाज में सीटी मार रही मद में मांस मधु का त्याग मद में मांस मधु का त्याग अभी नहीं समझाएंगे इन बातों को तो तुरंत यदि लेक्चर में लेना पढ़ लेना आप खोज करके मध्य क्या चीज है मधु क्या चीज है मांस क्या चीज है पंच नंबर का त्याग बर्ड पिपर ओवर कटुमर पागल खास तौर से अंजीर और कटल लवण फेमस नाम है अंजीर और कटल का सेवन नहीं करना और भी कोई चीज हो तो खोज देना चमड़े के बैग चमड़े की सामग्री रेशम कोषा आदि की वस्तु का मालूम ही कि रेशम और कोषा में कीड़ों को मारा ही जाता है पिक्चर देखना चाहो दिखा सकते हैं रेशम और कोषा की पिक्चर हमारे पास आप चाहे देख सकते हैं कैसे उबाला जाता है कीड़ों को और कैसे वो ऐसे दवा से कैसे मारा जाता है वो आप देख सकते हो ऐसे चमड़े की कोई सामग्री रेशम कोसा जैसे अन्य हिंसक वस्त्र आदि आपको नहीं मालूम पूरी की पूरी नदी सूख गई केवल जींस फैक्ट्री के कारण जींस के बर्ड में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल
जींस के निर्माण में होता है। एक मीटर कपड़ा बनाने के लिए 5,000 लीटर पानी भरना पड़ता है। लेकिन लगी और जींस जींस से होता क्या? कोई भी डॉक्टर से जाके मुझे रिपोर्ट दिखा दो कि जींस से हेल्थ होती है, हेल्थ के खिलाफ होती है। लेकिन बस वो कहता है 10 करोड़ रुपया लेकर मैं हीरो, क्या कह रहा हूँ, 10 करोड़ रुपया लेकर लेकिन अच्छी बात नहीं, प्रसाधन सामग्री श्रृंगार सामग्री साबुन आदि से बचे। इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे अमेरिका की, जापान की, फ्रांस की, जर्मनी की, स्पेशल साबुन इंपॉर्टेंट क्या होती है इंपॉर्टेंट? उसमें जो ग्लिसरीन का इस्तेमाल है वो मांसाहार से बनती है ग्लिसरीन। उसमें जो जिलेटिन का इस्तेमाल है, साबुन में असली घी तो डालेंगे नहीं, असली घी तो खाने को नहीं मिलता, छोटे छोटे उद्योग खुलवा दिए। हमारे ग्रैंडफादर बनाते थे साबुन घर पे, बाजार की साबुन नहीं लेते थे, घर पे बनाते थे और एक घंटे में बन जाती मुश्किल से बढ़िया साबुन फर्स्ट क्लास। हमारा मतलब ये चीज समझो, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करो। एक और बहुत अच्छा पॉइंट दिखाते थे, समाधि करने कराने का प्रयास करो,